तो दोस्तों बोध में हमने हिंदू धर्म से जुड़े पहलुओं की बात करी, विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं के बारे में बात करी, उनकी वेशभूषा। पर आज के एपिसोड में हम बात करेंगे कि ये जो चीजें हैं इनके बारे में कोई लॉजिक भी है या नहीं है। मैं हूं वैभव और मेरे साथ है हमारे माइथोलॉजिस्ट तरुण गुप्ता। तरुण, तो कैसा रहा आपका बोध का ये अब तक का सफर जो हमारा है? मेरा सफर मतलब मैं थोड़ा सा इस पे साइक्लिक पे चलता हूँ, ना कोई आदि ना कोई अंत, सफर तो निरंतर चलता है, तो बहुत अमेजिंग रहा, इंटरेस्टिंग। तो हम इस सीजन के आखिरी एपिसोड में हैं, तो मेरे पास ये जो हमने अब तक जो बातें करी है उसके जो लॉजिक्स वगैरह है, जैसे कि मैंने अभी हमारे दोस्तों को बताया। तो तरुण, हिंदू धर्म के लिए सब कहते हैं कि सूर्य उदय से पहले उठना चाहिए। अब तरुण, मैं तो भाई जो प्रोफेशन है मेरा, आप तो जानते ही हैं, हमारे व्यूअर्स को भी बताना चाहूंगा, मैं एक प्रोफेशन वाइज डीजे हूं, तो मेरे घर पहुंचने का वक्त ही सूर्य उदय के बाद होता है, तो मैं तो सूर्य उदय से पहले उठ ही नहीं सकता। मैं सोता ही उस वक्त हूँ जो सूर्य उदय जब हो रहा होता है, तो उसके बारे में मतलब दिस इज वेयर आई से कि डोंट फॉलो द स्क्रिप्चर्स ब्लाइंडली। यू नो, जब भी ये बातें आई, जब भी ये सीख आई, हम इसे सीख कहेंगे, ये इम्पोज नहीं की गई। हिंदू धर्म कभी भी इम्पोज नहीं करता कि आपको ये करना ही है, वो हमेशा आपको ये करना चाहिए। पर ये जो इसके पीछे लॉजिक था, वो जरूरी नहीं है कि हर इंसान पे एप्लीकेबल हो। तो आपको अपनी सिचुएशन के हिसाब से, जैसा कि मैंने हमेशा बताया कि जब भी कोई सोसाइटी में आइडिया आता है तो वो सिचुएशन के ऊपर डिपेंडेंट होता है, स्थिति के ऊपर डिपेंडेंट होता है। तो आपको अपनी स्थिति के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से ये देखना होता है कि इज इट प्रैक्टिकल एंड लॉजिकल फॉर यू और नॉट। एक लॉजिक किसी एक इंसान पे अगर एप्लीकेबल है तो जरूरी नहीं कि वो दूसरे इंसान पे भी एप्लीकेबल हो। लेकिन जैसे कि आपने कहा कि लॉजिक था, तो क्या अब लॉजिक नहीं है? अभी भी है, पर अब शायद उतना नहीं है जितना पहले था, या उतना सोसाइटी थोड़ा इवॉल्व भी हो गई है, उतना इम्पोर्टेंट कह सकते कि उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना पहले इम्पोर्टेंस रखता था। कारण क्या है, मैं आपको बताता हूं। पहले जितनी भी हमारी सोसाइटी थी, सिर्फ हमारी नहीं, इनफैक्ट अराउंड द वर्ल्ड जितनी भी सोसाइटीज थी, दे वर मोर ऑफ नेचर डिपेंडेंट। तो पहले घरों में बिजली नहीं होती थी, लाइट इलेक्ट्रिसिटी थी नहीं, तो सब दिए वगैरह जो जलते थे उससे डिमलिट माहौल होता था, या तो फिर घर डार्क होते थे। तो आपको जो आपके रोजमर्रा के काम हैं, जो आपको दिन के पूरे दिन के काम हैं, उसको करने के लिए आपको एक मैक्सिमम लाइट का टाइम चाहिए। यू नो, अंधेरे के बाद आपको करना मुश्किल हो जाता, एप्रोप्रिएट टाइमिंग चाहिए। हाँ, आप अंधेरे में खेत नहीं जोत सकते, आप अंधेरे में पानी भर के नहीं ला सकते, इट्स रिस्की, इट्स डिफिकल्ट। तो जो मैक्सिमम एक दिन का टाइम चाहिए, उसको यूटिलाइज करने के लिए ये रूटीन बना कि आप सूर्योदय से पहले उठो और सूर्यास्त के बाद सो जाओ, ताकि आप साइकिल आपका मैक्सिमम डे टाइम पे चले। अब आप उठोगे अगर 10 बजे 12 बजे तो आपने आधा टाइम, आधा दिन तो वो वेस्ट कर दिया। अब आपके पास दिन जो लाइट मिलने का टाइम है वो छोटा रह गया, काम उतने ही है, तो आपके काम पूरे नहीं होंगे, तो आपकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी, इसलिए ये लॉजिक बना था। एक काफी महत्वपूर्ण सवाल मैं पूछना चाहूंगा, जिसके बारे में सोसाइटी भी काफी मतलब वक्त के साथ चेंज भी हो रही है, और काफी लोगों का ये सवाल है, जैसे हमारी हिंदू सोसाइटी में लाइक जो गर्ल्स हैं उनको पीरियड्स के वक्त किचन या मंदिर में एंट्री नहीं दी जाती, इसके पीछे क्या लॉजिक? ये बहुत रेलेवेंस रखता है आज के टाइम पे, और जैसे इसके पीछे का जो लॉजिक डिग्रेड हुआ है, जो सुपरस्टिशन में कन्वर्ट हुआ है, उसके हिसाब से मुझे लगता है कि इसका लॉजिक लोगों को समझना बहुत जरूरी है। पहले जो घर होते थे या पहले जो सोसाइटी थी, वो कैसी थी कि घर के बाहर के सारे काम जनरली मेल करते थे, खेत में जाना, व्यापार पे जाना, नौकरी करना, घर के बाहर के जितने भी काम थे वो मेल करते थे, और घर के अंदर के जितने काम थे, हाउस होल्ड वर्क, वो फीमेल्स करती थी।
सो आज भी मेजरली क्योंकि अब तो वुमेन वर्किंग है बाहर, मतलब ऑलमोस्ट इक्वालिटी पे आ रही हैं चीजें, लेकिन आज भी घर में जो हाउस होल्ड काम है वो फीमेल ज्यादा करती हैं, और घर के काम बहुत होते हैं, आपके कपड़े धोने से लेकर बर्तन साफ करने तक और पूजा पाठ की तैयारियां करने तक। और पहले तो लोग डेली मंदिर जाते थे, मतलब घर में तो पूजा होगी होगी, मंदिर भी जाते थे रेगुलरली, तो घर के काम बहुत होते थे पहले। पहले ना वॉशिंग मशीन होती थी, ना पहले कुछ और, यू नो इजी नहीं था, सब हाथों से होता था, तो लेडीज के लिए भी काम बहुत थे। तो ये जो टाइम होता है पीरियड्स का टाइम, जब एक वुमेन को रेस्ट चाहिए होता है, जब उसमें उतनी शक्ति नहीं होती कि वो ये घर के काम करे, तो एक तरीके का आराम दे दिया गया था ये सोच के कि ठीक है वो काम अभी नहीं कर सकती, उसको आराम की जरूरत है। तो घर में कौन से ज्यादा काम है, भाई पूजा पाठ की तैयारियां करना, प्रसाद बनाना, रसोई का काम, अब रसोई में खाना बनेगा तो बर्तन भी साफ होंगे, तो वो वाले काम भी, झाड़ू पोछा भी। सो ऐसा नहीं कि बाकी लेडीज घर की नहीं करती थी, बाकी लेडीज कर सकती है, सिर्फ वो वुमेन जो रेस्ट जिसको चाहिए उसको ये अवकाश दे दिया जाता था कि भाई आपको मंदिर भी आने की जरूरत नहीं है, आपको पूजा की तैयारियां करने की जरूरत भी नहीं है, आपको किचन का काम करने की भी जरूरत नहीं है। आगे चल के आपकी ये चीजें सुपरस्टिशन में कन्वर्ट हो गई। उस समय ना सैनिटरी पैड्स होते थे, ना कोई आपकी दवाइयां ऐसी होती थी जो आपको आराम दे दे, आपको प्रॉपर रेस्ट ही करना होता था। तो ये लॉजिक इसके पीछे का ये था। तो कोई, जैसे हम बात कर रहे हैं लॉजिक्स की, तो ऐसे कुछ लॉजिक्स होंगे जो बिल्कुल मतलब टोटली इलॉजिकल हो, कोई आपके दिमाग में? बहुत सारे ऐसे लॉजिक हैं जो अब एक्चुअली बिल्कुल इलॉजिकल है और जिन्हें मैं टोटली सुपरस्टिशंस की कैटेगरी में डालता हूं, बट एक अगर बताऊं तो, एंड दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन, अगर इसके पीछे कोई लॉजिक मुझे समझा सके तो मैं बिल्कुल जानना चाहूंगा, बट मुझे जो लगता है इज दैट नींबू और मिर्ची को पिरो के जो लोग अपने दरवाजे पे लगाते हैं या एंट्रेंस पे लगाते हैं नजर से बचने के लिए, हाँ, सो यार मिर्च आई ही 500 साल पहले है भारत में, वो भी पोर्चुगीज लोग लेकर आए हैं, हरी मिर्च और लाल मिर्च। अब आपने उसको धागे में पिरो के नींबू के साथ पेयर करके और लगा दिया कि ये हमें बुरी नजर से बचाएगा, ना इसका जिक्र वेदों में मिलता है, ना पुराणों में मिलता है, ना उपनिषदों में मिलता है, क्योंकि भारत में मिर्च, हरी मिर्च या लाल मिर्च थी ही नहीं। तो ये लॉजिक कहाँ से आया, कब आया? तो हमारी सोसाइटी इनसिक्योर हो गई है, यू नो, हमारा कुछ बुरा नहीं हो जाए, ये जो डर है इससे अंधविश्वास निकल के आया। तो तरुण, कोई तो ऐसी स्क्रिप्ट होंगी, कोई मैन्युस्क्रिप्ट या स्क्रिप्चर्स होंगे जो ब्लाइंड फेथ या अंधविश्वास वगैरह के बारे में ऐसा कुछ, कोई चीज ऐसी, कुछ कहानियां बताती? ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं हमारे ही धर्म ग्रंथों में जो बताती है कि अंधविश्वास क्या है और विश्वास क्या है। अगर बताऊं तो भागवत में एक कहानी है, श्रीमद् भागवत में, जब कृष्ण गोकुल वालों से कहते हैं और कि भाई आप इंद्र की पूजा क्यों कर रहे हो, तो गोकुल के लोग सब कहते हैं कि इंद्र की पूजा इसलिए करते हैं कि अच्छी बारिश हो, यू नो, अगर आप इंद्र की पूजा नहीं करोगे तो इंद्र भगवान नाराज हो जाएंगे और बारिश नहीं होगी और सूखा पड़ेगा। तो डर है लोगों में, वो डर के वजह से वो पूजा करते हैं। तो कृष्ण कहते हैं डर के कभी पूजा नहीं होती, मन से होती है। वो कैसा देवता है जो डर की वजह से आप, मतलब जो पूजा जा रहा है वो उनका कर्म है, वो उनकी ड्यूटी है बारिश समय समय पर धरती पे भेजना। आप पूजा नहीं भी करोगे तो भी वो उसका कर्म है। आपके लिए पूजनीय गोवर्धन पर्वत है, तो गोवर्धन पर्वत की पूजा के लिए कहते हैं कृष्ण की, यू नो, आप अपने आपकी गाय रोज गोवर्धन पर्वत पे जाती है, वहां के वन आपको फायदा देते हैं, वो आपको ज्यादा फायदा दे रहा है और गोवर्धन पर्वत आपसे कुछ मांगता भी नहीं है, तो वो पूजा करने योग्य है। तो विश्वास करो, अंधविश्वास मत करो, मतलब मन में डर नहीं, मन से, हाँ। तो कृष्ण भी वहां पर अंधविश्वास दूर करने के लिए ये सब कर रहे हैं। अब आप उसे, भागवत उसे लीला कहता है कि उंगली पे गोवर्धन पर्वत उठाना, पर एक्चुअली चाहे वो लीला हो या जो भी हो, वो एक अंधविश्वास को दूर करने के लिए ही वो कहानी बनाई गई। अंधविश्वास से विश्वास तक, वेदों से लेकर पुराणों तक, विज्ञान से लेकर हमारे ग्रंथों तक। तो ये था बोध, और बोध यानी कि जानना। इसी के साथ हम समाप्त करते हैं ये सीरीज।
हमें आशा है कि आपको काफी अच्छा लगा होगा और अपने अंदर के ज्ञान में एक अलग प्रकार की ज्योति प्रज्वलित हुई होगी। आपसे मुलाकात होगी फिर कभी किसी मोड पे। ये थी बोध सीरीज, मैं हूं वैभव और मेरे साथ तरुण गुप्ता, लेते हैं आपसे विदा। नमस्कार।